अगर दोबारा बारिश होती है तो अब की बार तुम्हारी बेटी की जान जाएगी। तो उस लड़की की लाश जो है वो एग्जैक्ट सेम स्पॉट उसी जगह से मिली जहां से पहली लड़की की लाश मिली थी। कोरियन हॉरर स्टोरीज के बारे में आज पहली वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ इस सेटअप आपको पसंद आएगा। भाई आज जो मैं आके आपको सुनाने लगा हूँ वो बेसिकली यहाँ साउथ कोरिया के अंदर एक चैनल है और उस चैनल के ऊपर लोग आके अपने वाक्यात सुनाते हैं जो उनके साथ इस तरह के कोई खौफनाक वाक्य होते हैं या कोई इस तरह के गोस्ट इनकाउंटर्स हो जाते हैं तो वो आके अपने उस चैनल के ऊपर वाक्यात बताते। तो एक खातून जो थी वो उस चैनल के ऊपर आई थी और उन्होंने अपने साथ होने वाला वाक्य सुनाया था और उन्होंने बताया कि ये 1983 का वाक्य है जब वो 6 साल की थी और वो एक गांव के अंदर रहती थी और उस दौरान यानी कि 1983 के अंदर इतनी ज़्यादा साउथ कोरिया के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं थी और गाँव भी जो थे वो खाली खाली हुआ करते थे, लोग इतने ज़्यादा नहीं रहते थे। वहाँ पर उसकी दो दोस्तें थी और वो दोनों दोस्तों से छोटी थी और ये तीनों दोस्तें आपस में मिल के जो है वो बाहर खेला करती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं थे, इतने ज़्यादा कोई किंडरगार्टन टाइप के स्कूल नहीं थे, बच्चों के लिए एक्टिविटी नहीं थी तो ये आपस में ही खेलना है और यही इनके लिए सारे दिन के मशगला हुआ करता था। तो 1983 के अंदर जो है मानसून सीजन स्टार्ट हुआ। मानसून सीजन में या साउथ कोरिया के अंदर भाई बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, इतनी बारिशें होती हैं कि लगातार जो है तकरीबन 50-50 दिन हमने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि 50-50 दिन यहाँ पे बारिशें होती रहती हैं रेगुलरली। तो 9 दिन से तकरीबन लगातार बारिश हो रही थी और इन बच्चियों ने जो है आपस में एक दूसरे को देखा नहीं था तो बहुत ज़्यादा ये उदास हो रही थी। 9वें दिन जो है वो थोड़ी सी धूप निकली तो इन लड़कियों ने बहुत खुश हुई लड़कियां कि आज जो है हम आपस में मिलते हैं और चल के खेलते हैं। तो तीनों लड़कियां आपस में मिली और तीनों जो है वो खेलने के लिए इधर उधर घूम रही थी तो एक दोस्त ने उनको मशवरा दिया कि हम क्योंकि बरसात हो रही है तो हम ऐसा करते हैं कि फलाना एक बरसाती नाला है वहाँ चलते हैं और बरसाती नाले के पास जाके मेंढक पकड़ते हैं क्योंकि मेंढक पैदा होते हैं बरसात के दौर में। तो तीनों जो दोस्तें हैं वो बरसाती नाले के अंदर जाके खेलना शुरू हो गई, मेंढक पकड़ रही थी। यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ कि उस गांव के थोड़ा सा दूर जाके एक डैम था पानी का जहाँ पे पानी जमा हुआ करता था और जब बरसात होती थी तो लोग उसके दरवाजे जो हैं डैम के वो अक्सर खोल दिया करते थे ताकि पानी जो है वो डैम में से निकल जाए और डैम पे पानी का प्रेशर कम हो जाए और वो जो पानी जो होता था वो इन बरसाती नालों में से होता हुआ दूसरे गाँव में चला जाता था। ये लड़कियाँ जो हैं उनमें से एक बरसाती नाले के पास जाके खेल रही थी। इसी दौरान जो है वहाँ पे गाँव के जो लोग हैं वो भागते हुए आए और उनको दूर से उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि भाई ये बरसाती नाले से बाहर आ जाओ क्योंकि जो डैम है उसका दरवाजा किसी भी वक्त कोई खोल सकता है और वहां से पानी आ सकता है। तो ये तीनों जो दोस्तें थी वो खौफ के आलम में वहां से जैसी निकल के भागी हैं तो उसमें से एक जो दोस्त थी उसका जूता जो है वो वहीं पानी के अंदर गिर गया। और जैसा कि मैंने बताया 1983 का वाकया है, उस दौर में साउथ कोरिया इतना ज्यादा अमीर मुल्क नहीं हुआ करता था, लोग गरीब थे, गाँव का इलाका था। तो उस लड़की ने कहा कि भाई मैं घर जाऊंगी, मेरी माँ मुझसे पूछेगी जूता कहाँ गया और जो है वो गुस्सा होगी, तो उसने कहा कि मैं जूता जाके ले आती हूँ। तो जिस दौरान वो लड़की वापस पानी के अंदर गई जूता लेने के लिए तो उसी दौरान जो है वो जो डैम था उसके फ्लड गेट्स किसी ने खोल दिए और मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर जो है वो वहाँ पे बहना शुरू हुआ और वो जो लड़की थी बरसाती नाले के अंदर वो उसके अंदर बह के चली गई और उस लड़की की लाश जो है अगले दिन एक दूसरे गाँव से जाके मिली। बाहर लोग भाई बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए, लोगों को अफसोस हुआ और उसके बाद जो सब अपने घर चले गए। रात के टाइम जो है फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हुई। अब की बार जब बारिश स्टार्ट हुई तो जो दूसरी दोस्त थी इन तीन दोस्तों में से जो दूसरी दोस्त थी उसको जो है रात को कुछ आवाज़ें आई और वो अपने कमरे से उठ के बाहर निकली और उसके बाद वो गायब हो गई। सुबह जब उसकी माँ ने उसको ढूंढने की कोशिश करी तो वहाँ पे नहीं मिली अपने घर के पास। पूरा गाँव जो था वो साथ मिल के ढूंढने लगा तो फाइनली ढूंढते ढूंढते उनको उस लड़की दूसरी लड़की की लाश जो है वो सेम एग्जैक्ट उसी स्पॉट से मिली जहाँ से पहली लड़की की लाश मिली थी एक दिन पहले। तो लोग जो थे वो आपस में परेशान हो रहे थे, बातें कर रहे थे कि इस तरह से कैसे हो सकता है कि जो है ना सेम जगह से उसी लड़की की लाश मिले। तो जो लोग थे बातें कर रहे थे आपस में एक दूसरे से, यानी कि जिक्र कर रहे थे कि भाई ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो इसी दौरान जो है किसी ने कहा कि भी हो सकता है ये किसी गोस्ट का काम हो, किसी रूह का काम हो। तो जो तीसरी लड़की यानी कि जो बची है उसकी माँ को जब माँ ने सुना कि भाई इस तरीके का वाक्य और कोई रूह का इसके अंदर काम हो सकता है तो वो डर गई और उस माँ ने एक शैमन खातून के पास गई। यहाँ कोरिया के अंदर जैसे पाकिस्तान में दम दुरूद करने वाली औरतें होती हैं उसी तरीके से यहाँ कोरिया के अंदर जो औरतें होती हैं उनको शैमन कहा जाता है। तो उस तीसरी लड़की की माँ जो है वो शैमन एक औरत के पास गई और उसको जाके सारा वाक्य सुनाया। शैमन औरत ने उसको बताया कि भाई अगर दोबारा बारिश हुई तो अब की बार तुम्हारी बेटी की जान जाएगी। और उस औरत ने उसको कहा कि अपनी बेटी को जाके कहना कि रात के टाइम पे अगर बारिश हो और तुम्हें कोई भी यानी कि आवाज़ें दे तो बिल्कुल भी ना सुनना, उनके ऊपर कान बिल्कुल भी ना धरना और उनका जवाब ना देना, बिल्कुल भी जवाब ना देना।
साथ में उस शैमन खातून ने एक तावीज़ बना के दी और कहा कि ये तावीज़ जो अपनी बेटी के गले में डाल दो, और साथ में एक गुड़िया जो थी वो भी उसको दी और कहा कि ये जो गुड़िया है अपनी बेटी के कमरे के जो दरवाज़ा है उसके बाहर लटका देना। तो बहरहाल भाई वो उसकी जो माँ थी तीसरी लड़की की माँ, वो गुड़िया और तावीज़ लेके अपने घर गई, उसने जो तावीज़ है वो अपनी बेटी के गले में पहना दी और जो गुड़िया जो है वो दरवाजे के ऊपर टांग दी। 2-3 दिन तक बारिश नहीं हुई तो जो घर वाले थे वो भी थोड़ा इस मामले को भूल गए, और 4th दिन के बाद जो है वो बारिश रात के आधी रात को बारिश स्टार्ट हो गई। अब जब बारिश स्टार्ट हुई तो सब घर में सो रहे थे, और एकदम से उस जो बच्ची थी जो सो रही तीसरी लड़की जो आखिरी, उसको रात को आवाज़ें आना शुरू हुई। उसको इस तरह से फील होना शुरू हुआ कि जैसे उसकी जो दोस्तें आपस में खेल रही होती हैं, और आपस में खेलते हुए लड़कियों की जैसे आवाज़ें होती हैं, गाने गाना, गुनगुनाना, एक दूसरे को बुलाना आवाज़ें देके, उस तरह की आवाज़ें उसको आने शुरू हुई। और उसमें से एक जो लड़की की आवाज़ थी वो उसको बुला रही थी कि आओ हमारे साथ खेलो। तो वो जो लड़की थी उसने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उसको कहा कि आओ हमारे साथ खेलो तो उस लड़की ने कहा कि अच्छा मैं आती हूँ। सिर्फ उसने इतना कहा और उस लड़की को फील हुआ, यानी कि जो तीसरी लड़की थी उसको फील हुआ कि बेड पे लेटे हुए उसकी टांगे किसी ने एकदम से यूं करके खींची हैं और वो जो है खींच के पीछे की तरफ निकल गई है। इस लड़की ने जो है जल्दी से जो बेड था उसके गद्दे को पकड़ने की कोशिश करी, चादरों को खींचने की कोशिश करी, और जो है जो बेड का सराहना था उसको पकड़ने की कोशिश करी और ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना शुरू कर दी। चीखें मारती जा रही थी और उसको उसने बताया कि उसके फील ऐसा हो रहा था जैसे उसके चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई वज़न किसी ने रख दिया हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वज़न रख के किसी ने दबा दिया, इस तरीके की उसको फीलिंग आ रही थी। तो वो इसी चीखे चिल्लाने के आलम में और ये जो वज़न उसके चेस्ट पे पेन में फील हो रहा था जिससे उसकी सांस बंद हो रही थी, इसी आलम में उस लड़की को जो है रात को बेहोश हो गई। सुबह जब वो उस लड़की की आंख खुली तो वो अपनी माँ की गोद में थी और वो कंटिन्यूसली रोए जा रही थी और उसकी माँ भी रो रही थी, वो समझती थी कि शायद मेरी बेटी जो है वो किसी दूसरी दुनिया में चली गई है। उस लड़की की माँ ने उसको बताया कि भाई तुम रात को जो है वो बेड का जो सरहाना था वो पकड़ के लेटी हुई थी और बेड से नीचे उतरी हुई थी बिल्कुल, और उसने उसको बताया कि भाई इस तरीके से तुम्हारे साथ ये रात को वाकया पेश आया है। उसके बाद उन्होंने जो है वो शैमन जो खातून थी यानी कि जो दमदरूद वाली औरत थी उसको बुलाया और उसको बताया कि भाई इस तरह से रात को वाकया हुआ था, तो अब बताओ हमें क्या करना है। उस शैमन खातून ने उस घर का जो है सारा घर के अंदर घूम के सारी चीज़ें वीज़ें चेक करी और उसने बताया कि जो मैंने तुम्हें गुड़िया दी थी वो कहाँ है। तो उस खातून ने बताया कि भाई मैंने वो तो दरवाजे पर लटका दी थी, तो जब उसने जाके दरवाजे के ऊपर देखा तो वो गुड़िया वहाँ से गायब हो चुकी थी। जी हाँ, वो गुड़िया वहाँ से गायब हो चुकी। तो शैमन खातून ने उसको बताया कि बेसिकली जो रूहें थी वो रात के टाइम पे आई थी और तुम्हारी बेटी को अपने साथ बुला रही थी, और मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम्हारी बेटी उनके साथ चली जाती तो वो उसको भी डुबा के मार देती, लेकिन जो गुड़िया थी वो इन रूहों को ट्रिक करने के लिए लगाई थी ताकि वो जो है इस लड़की को ले जाने के बजाय उस गुड़िया को ले जाऊँ, और वाकई में वो उस गुड़िया को ले गई है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो शराब है या ये सारा जो रूहों का अमल था या जो खेल था ये अब ख़त्म हो चुका है। और शैमन खातून ने ये बताया कि जो तुम्हारे जो रात के टाइम पे तुम्हारी बेटी के चेस्ट के ऊपर जो भारीपन महसूस हो रहा था वो इस तावीज़ की वजह से था, इस तावीज़ ने जो है इसको यहाँ पे टिका के रखा यानी कि इसको दबा के रखा और इसको यहाँ से हिलने नहीं दिया। तो फाइनली भाई वो जो औरत है अब तकरीबन 40 ईयर्स ऑफ एज की होगी, क्योंकि 83 का वाक्य है और अब 2021 हो गया, तो शायद वो 40 साल की हैं और वो स्टिल अलाइव हैं। तभी उन्होंने भाई उस चैनल के ऊपर कॉल करके अपना ये सारा जो है वाक्य सुनाया था। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये वाक्य आपको पसंद आया होगा, और ये वाक्य सुनाते हुए भाई बार बार मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे डर के मारे, और ये जो माहौल है भाई अंधेरे का इससे मुझे खौफ आ रहा है, आपको पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस तरीके की मज़ीद आप वाक्या सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करता हूँ मैं आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट। गुड़िया दी और कहा कि इस गुड़िया को जो है भाई जिस जगह मैं बैठा हूँ अभी यहाँ पे हल्की सी भी कोई आवाज़ आ रही है और मैं इस तरह का वाक्य सुना रहा हूँ तो मेरी एकदम से बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा खौफ खतरनाक महसूस हो रहा है। आई डोंट नो, पता नहीं मैं ये वाक्य जो है पूरा सुना भी सकूंगा। रियली आई एम वेरी टेरिफाइड राइट नाउ, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता, मैं वाकई बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हूँ। बाहर जाके खेला करती थी एक साथ, और क्योंकि 1993 के दौर में साउथ कोरिया के अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट